गुड मॉर्निंग, मैं पवन राव। मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में, जैसा आप लोगों को पता है कि पिछला लेसन आपने अगर देखा होगा, आज आप लोग 6 बज चुके हैं, वेट कर रहे होंगे कि सर का लेसन कब आएगा एमपीजी का। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट जिस पर आज मैं एक छोटा सा नया कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, अगर कोई भी स्टूडेंट एमपीजी का मेरा ये वीडियो अगर देख रहे हो आप लोग, मास पॉइंट ज्योमेट्री का, तो आप लोग पहले वाले 2 वीडियोस में बना चुका हूँ और टोटल इसके 4 वीडियोस में बनाने वाला हूँ। तो आप लोग ध्यान रखना कि मेरे पहले 2 वीडियोस देखिए, और अगर आपको कंप्लीट ज्योमेट्री सीखनी है, फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर अगर आप लोग आए हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आप छोड़कर यहाँ से भाग जाओगे। आपको लेसन नंबर 1 से देखने की शुरुआत करनी है और फिर धीरे 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 आगे बढ़ना है। ये उसके बाद अगर लेसन नंबर 1 से आप लोग देखोगे तो ये 100% मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ कि आपको ज्योमेट्री समझ में आ जाएगी और आप ज्योमेट्री से डरना बंद कर दोगे और नए क्वेश्चंस भी कर पाओगे आसानी से। पहले मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, और उनको दोनों को फिर पहले थ्योरी पढ़ो फिर क्वेश्चंस करो, और दोनों को एक साथ पढ़ लोगे तो टाइम तो थोड़ा सा लगेगा, लेकिन उसके बाद नया क्वेश्चन आया कितना भी हार्ड है, कितना भी स्टैंडर्ड का है, आप खुद सोल्व करोगे या आप खुद देखना। कोई भी क्वेश्चन फिर अगर नहीं आए तो उसके लिए मैं हूँ, मेरे पास भेज देना, मैं सॉल्यूशन आप लोगों को दे दूंगा। लेकिन आप लोगों को शुरुआत करनी है वीडियो नंबर 1 से, और जो शुरुआत से देखते आ रहा है उन लोगों को बिल्कुल आज बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इस प्रकार से आज एक नया कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझाऊंगा। कल और परसों का वीडियो अगर देख चुके हो आप लोग तो ध्यान दीजिए, ए बी और सी, यहाँ पर अपने पास एक यहाँ से यहाँ तक ए डी कोई भी अपने पास सीवियन है, और ये वाला पॉइंट मान लीजिए ई और एफ है। कोशिश करना सभी लोग समझने की, आज का जो कॉन्सेप्ट होगा थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट होगा, थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन समझ जाओगे एक बार में। अगर पिछले वाला पहला वीडियो 3 बार देखा है, दूसरा वीडियो 2 बार देखा है, ये वीडियो मेरे साथ साथ, अब जैसे जैसे मैं पढ़ाते चल रहा हूँ वैसे वैसे आप लोगों को समझ में आता जाएगा। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आज की क्लास में आपको नहीं आएगी, क्योंकि 2 वीडियो देखकर आप लोग थोड़ा सा हैबिचुअल हो गए हो, थोड़ा सा आपके दिमाग में आ गया कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगता है, क्योंकि पहले आपका अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो। कहीं भी आप लोग, जिस भी, मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ, जिस भी फैकल्टी से आप लोग पढ़ रहे हो वहाँ पर पढ़ते रहिए, राजस्थान में हो, जयपुर में हो, जयपुर से बाहर हो, सारी फैकल्टीज़ अच्छी हैं, कोई भी फैकल्टी ख़राब नहीं होती है। लेकिन वो टाइम के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ाते हैं कि कितने दिन में सिलेबस कवर करना है, इसलिए कुछ चीज़ें स्किप हो जाती हैं। तो जो भी फैकल्टी आपसे पढ़ा रहा है उससे आप पढ़ते रहिए और साथ साथ ये वीडियोज़ देखते रहिए, उससे आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। अकेले वीडियो पर या अकेले वहाँ पर आप लोग उसके भरोसे नहीं बैठ जाना। देखो ये इस प्रकार से है, कोई भी पॉइंट, ये 2 है, ये 3 है, और ये मान लो 3 है, और ये मान लो 5 है, और ये 3 है, और ये 1 है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाता हूँ, क्वेश्चन से ही आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। एक सीवियन है, इधर ये एक ऐसी लाइन खींच दी ई और एफ जो इस सीवियन को काटती है मान लो ओ पर। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, एक पॉइंट आप लोग हमेशा याद रखना, अब की बार जब अपने पास सीवियन यहाँ से यहाँ तक अगर मिला दोगे आप लोग, यहाँ से यहाँ तक अगर मिला दोगे, देखिए मैं दूसरा मार्कर का यूज़ कर रहा हूँ, मान लीजिए आपने यहाँ से यहाँ तक को मिला दिया बी से ई को। कुछ लोग कहेंगे कि सर ये भी सीवियन वाली प्रॉपर्टी से कर सकते हैं, लेकिन तीनों ऐसी सीवियन अगर एक जगह इंटरसेक्ट करिए तो लगा रहे थे हम लोग, ये हो सकता है इसको मिलाओ तो ये थोड़ी सी ऊपर से या थोड़ी सी नीचे से निकल जाए, ये यहाँ पर मिल रही है, ये यहाँ पर मिल रही है, और ये यहाँ पर मिल रही है, तीनों एक पॉइंट पर नहीं मिल रही, ये ऐसा कोई पॉइंट है, ध्यान रखना आप लोग। तो तीनों का जो तीनों मिले वहाँ पर इनर सम सेम होता है। अब की बार ये पॉइंट एक दिमाग में बिठा लो कि यहाँ पर इन दोनों का सम यहाँ पर और इन दोनों का सम यहाँ पर, उनका जो सम होगा वो सेम नहीं आएगा, ये बात सबसे पहले याद रखना। क्योंकि 2 दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों के दिमाग में ये फिट हो जाता है कि सर इनर समेशन सेम होना चाहिए। अब की बार ध्यान रखना, इनर समेशन सेम तब होना चाहिए जब तीनों सीवियन मिले, वहाँ पर सेम होता है, यहाँ पर जो इनर सम, इन दोनों का सम और इन दोनों का सम अलग अलग हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। पहला पॉइंट, पहला कॉन्सेप्ट समझना। जब अपने पास इस प्रकार से था, जैसे पिछले पॉइंट से हम लोग जब तीनों सीवियन अगर मिल रही थी, ये और ये अगर मिल रही थी, तो आप यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ, 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 ऐसे घूम रहे थे। कैसे घूम रहे थे वो मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, लेकिन इस पॉइंट पर आप लोग एक बात ध्यान रखना, एक चीज़ आप लोग याद रखना, अगर अपने पास यहाँ पर, क्योंकि ये सीवियन यहाँ से यहाँ तक, एक ही सीवियन, ये यहाँ से यहाँ तक सीवियन इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो ध्यान रखना यहाँ पर अपने पास इस पर अगर आप लोग वेट मानते हो 1 और इस 2 के हिसाब से,
इस पर अगर आपका वेट माना जाए, इस ए दो और एक के हिसाब से वेट अगर यहाँ पर 2 kg माना जाए, यहाँ पर 2 kg, ये कॉन्सेप्ट समझ लो आज की क्लास का, सिर्फ और सिर्फ ये एक ही कॉन्सेप्ट है, ये आप लोग समझ लीजिए, फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, फिर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। 2 और 1, ये 2 kg, इसके कारण ये 2 आया है, तो इसके कारण ये कितना होना चाहिए, 6 kg। ध्यान रखना, मैं आपको समझा चुका हूँ, पिछले 2 वीडियो से समझा रहा हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर होना चाहिए। ये यहाँ पर अपने पास 2 × 3 = 6 है, तो 1 × x करेंगे तो x की वैल्यू 6। ये अपने पास यहाँ पर 3 × 2 = 6, तो यहाँ पर भी इन दोनों का सम, तो यहाँ पर ये पॉइंट आप लोग समझ लो, ये 3 kg जो वेट है वो इस लाइन पर है, क्योंकि ये सीवियन जाकर नहीं मिल रही, अपने पास इस प्रकार से खींच दे तो ये 3 kg वेट इधर से और इधर से जो वेट आएगा, दोनों अलग अलग वेट होंगे, ये 3 kg वेट, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, ये 6 × 5 = 30, तो ये यहाँ पर अपने पास आना चाहिए 10, और ये 10 kg जो वेट है वो इस लाइन पर है। इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को यही कॉन्सेप्ट समझना है, और ये कॉन्सेप्ट अगर आपके समझ में आ गया तो सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। ये 10 और 6, ये अपने पास हो गया 16, ये अपने पास 3 और ये अपने पास 2, तो ये हो गया अपने पास 5, और यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर आपको वेट देखना है तो 10 और 5 जो ये 3 है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर वेट है 13 kg, और यहाँ पर 2 और 6 को अगर ऐड करोगे तो यहाँ पर वेट है अपने पास 8 kg। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझना है, बस ये समझा रहा था कि जब इस प्रकार से लाइन आ जाए तो इसके साथ वेट अलग होगा, इसके साथ वेट अलग होगा, और यहाँ टोटल वेट देखना है तो वो अपने पास 13 kg, 10 और 6 = 16, 3 और 2 = 5, और 6 और 2 = 8। अब अगर किसी स्टूडेंट को AO और OF का रेशियो अगर चाहिए, किसी भी स्टूडेंट को AO और OF का रेशियो अगर चाहिए ए से ओ तक, तो बताओ 8 ऊपर जाएगा 13 नीचे आएगा, तो क्या रेशियो अपने पास जो होगा क्या 8/13 हो गया है क्या? ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर किसी को AO, ध्यान रखना ये वेट यहाँ जाएगा और ये वेट जो 13 है वो यहाँ आएगा, 8 इधर 13 इधर, और ये इसका EO और OF का रेशियो अगर चाहिए, EO और O, AO और OD लिखना इसको ना, OD, EO और OF का अगर रेशियो चाहिए, E से O तक, ये 16 इधर आएगा, 5 इधर आएगा, तो रेशियो आ जाएगा 16:5, ये अपना आंसर है। अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हो चुका है, आपको थोड़ी सी चीज़ें समझ में आई होंगी। इस कॉन्सेप्ट में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये समझना है कि इस लाइन पर जब ऐसे लाइन आ जाए तो इधर वेट अलग होगा और इधर वेट अलग होगा, तो पहले इस वर्टेक्स पर या इस कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो, यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हो, ये 3 मान लोगे तो ये अपने पास 2 आ जाएगा। वर्टेक्स आपका खुद को, आप स्वतंत्र हो, वर्टेक्स कहाँ से शुरुआत करते हो, ये 3 तो ये अपने पास 2, 3 × 2 = 6, तो अपने पास इन दोनों का सम भी 6, इन मल्टीप्लीकेशन 6 होना चाहिए, 1 है तो 6, ये 6 है अपने पास, 6 × 5 = 30, इनका मल्टीप्लिकेशन भी 30, तो ये आ गया 10। इस प्रकार से इस वीडियो को एक बार वापस से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन फिर समझाता हूँ, ये हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया, देखो कोशिश करना समझने की। 2 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को समझा रहा हूं, इस प्रकार से मान लीजिए अपने पास है, ये अपने पास कोई भी पॉइंट है, कोई भी ट्रायंगल है ए बी और सी, ये अपने पास पॉइंट डी है, यहां से यहां तक ये अपने पास पॉइंट ई है, और ये अपने पास पॉइंट एफ है, और ये वाला पॉइंट ओ है, यहां से यहां तक ये दिया हुआ है 5:2, क्वेश्चन दिया हुआ मिलेगा, ये दिया हुआ है 2:3, और ये दिया हुआ है मान लो 3:4, और कोशिश करना सभी लोग समझने की। क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने उसमें तीनों साइड्स ए ई, ऐसे कहेगा ट्रायंगल ए बी सी, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, डी इज़ द पॉइंट ऑन बी सी एंड ए डी इज़ द सीवियन, ई पॉइंट ऑन ए बी एंड एफ पॉइंट ऑन ए सी, ई पॉइंट ए बी पर है और एफ पॉइंट ए सी पर है, ई और एफ को मिला दिया जाए तो ए डी को ओ पर काटते हैं, और क्वेश्चन ये पूरा लैंग्वेज में मिलेगा, लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपका और मेरा दोनों का ही टाइम वेस्ट होगा, तो क्वेश्चन आप लोग सुन लीजिए सिर्फ, ए एफ और एफ सी बराबर होगा 3/4, और हमें दिया हुआ है बी डी अपॉन डी सी बराबर हमारे पास दिया हुआ है 5/2, तो कोशिश करना इस पॉइंट को समझने की, कोशिश करना, ध्यान देना, ये दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है, इसलिए आप लोग सीखिए।
मैंने कहा जहाँ से आप लोगों को शुरुआत करनी है वहाँ से शुरुआत कीजिए, और शुरुआत करते हैं हम लोग रेड कलर से। यहाँ पर जो इस पर जो होना चाहिए दो और दो, इसके कारण यहाँ पर आप लोग मान लीजिए 4 kg इनका इनटू करके, यहाँ पर मैंने कहा कि 2 के कारण 4 आया है तो 5 के कारण जो होगा वो 10 kg, या तो ऐसे सोच लो 4/2 × 5 ये आएगा, या रेशियो आपको पता होगा, या इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर होना चाहिए, 5 × 4 = 20, तो 10 × 2 = 20, 2 को किस संख्या से गुना करेंगे 20 आए तो 10, ये यहाँ पर 4 × 3 = 12, तो यहाँ पर 12 लाने के लिए 6, ध्यान रखना अब की बार जो 6 kg होगा वो इस लाइन पर होगा, और 10 × 4 = 40, 10 को 4 से गुना करोगे तो 40, और यहाँ पर 40 लाने के लिए यहाँ पर होगा 40/3 जो इस लाइन पर होगा। क्या सर मैं थोड़ा आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, क्या ये ऊपर फ्रेम में आ जाएगा ना, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास जो सम होगा 10 और इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 70/3, एलसीएम लेंगे 30 ऐड कर लेना, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा अपने पास 10। अब यहाँ पर टोटल जो वेट होगा इन दोनों को ऐड करने पर आएगा, बस ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर जो टोटल होगा इन दोनों को ऐड करने पर आएगा 18 में 40 ऐड करोगे तो 58/3 ये होगा यहाँ पर, ये आप लोग ध्यान रखना, और 10 और 4 यहाँ पर तो 14 है ही। अब अगर आप लोगों से पूछा जाए AO और OD का, ध्यान देना कोशिश करना सीखने की, AO और OD अगर पूछा जाए और दोनों का रेशियो पूछा जाए, AO और OD ऐसे लिख देता हूँ मैं, AO और OD का रेशियो अगर पूछा जाए तो A से O तक जो आएगा 14 ऊपर आएगा, ध्यान रखना A से O के लिए 14 इधर क्रॉस आता है और इधर आएगा ये 58/3, तो 2 से कट गया 29 बार और 2 से कट गया 7 बार, ये 21 इधर आएगा, 21 इधर आएगा, तो आंसर आ जाएगा 21:29। इसका अगर किसी को रेशियो चाहिए ई से ओ तक और ओ से एफ तक का रेशियो चाहिए, ई से ओ तक और ओ से एफ तक का रेशियो किसी भी स्टूडेंट को अगर चाहिए, ई से ओ तक और ओ से एफ तक का अगर रेशियो आप लोगों को चाहिए तो ध्यान रखना ई से ओ तक ही इधर आएगा 70/3, और ये जो 10 है ये इधर आ जाएगा, ये 10 इधर आ गया, 0 से 0 कट गया और 7:3 ये अपना आंसर है। दोनों में से एग्जाम में कोई सा भी पूछ सकता है, एक क्वेश्चन में पहले समझा चुका हूँ, दूसरा क्वेश्चन में वापस समझा देता हूँ। यहाँ पर अपने पास ये अगर 4 है, 4 × 3 = 12, तो इन दोनों का सम इनटू भी 12 होना चाहिए, तो यहाँ पर आना चाहिए 6, तो 6 इस लाइन पर होगा और ये 40/3 इस लाइन पर, टोटल देखना है तो ये ऐड कर लेते हैं। सिर्फ आज की क्लास का यही कॉन्सेप्ट है, ये आसान सा पॉइंट है, फिर समझाता हूँ इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को, आंसर ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आंसर जो होगा AO और OD जो है, AO अपॉन OD जो आया अपने पास आया 21/29, और दूसरा जो अपने पास आया है EO अपॉन OF जो आया है वो अपने पास आया 7/3, तो अब ध्यान देना ये 7:3 और ये अपने पास 21/29, अब कोशिश करना आप लोग समझने की, और मैं आपको जो क्वेश्चन है वो हर कॉन्सेप्ट से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। मैं आपको इस टाइप से इस YouTube चैनल पर मैं आप लोगों को इस टाइप से समझाने की कोशिश करूंगा कि MPG पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो आप लोग उसको खुद ही कर पाओ, आसानी से कर पाओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, इस टाइप से समझाने की कोशिश करता हूँ। सेम डायग्राम सेम क्वेश्चन मैं वापस से बनाता हूँ और सभी लोग सीखना, उसी डायग्राम को मैं बना रहा हूँ, आपकी नोटबुक में बना हुआ होगा, चेक करना, और साथ साथ आप लोग अपनी नोटबुक साथ रखा करो, नोटबुक में साथ साथ लिखते चला करो ताकि आपको बार बार ये वीडियोस नहीं देखने पड़े। एक बार आप लोग वीडियो शुरू कर लेते हो फिर आप सोचते हो ये वाला पढ़ लूँ, फिर आप सोचते हो ये वाला पढ़ लूँ, फिर आप सोचते हो ये वाला पढ़ लूँ, ऐसे नहीं, आप लोग वीडियो एक बार साथ साथ लिखते चलो। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट एक बार वीडियो देखने की शुरुआत करता है MPG पर उसको 50 मिलते हैं, और फिर आप लोगों को लगता है कि यार मैं ऐसी जगह पढूं जहां से मुझे मतलब कंप्लीट होना चाहिए, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मैंने इस YouTube चैनल की शुरुआत की आप लोगों के लिए कि कंप्लीट ज्योमेट्री सिंगल जगह आप लोगों के लिए मिले, और कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं बचे जब आप लोग क्वेश्चन करने जाओ कि यार ये वाली थ्योरम तो अपने पास आई नहीं। इसीलिए इसी मोटो के साथ मैंने ये यूट्यूब चैनल की शुरुआत की है,
तो आप लोग अगर अच्छे से सीखना चाहते हो तो फर्स्ट टाइम अगर आए हो तो एक नंबर से वीडियो से देखने की शुरुआत करना और सिस्टमेटिक पूरी सीरीज देखना, जिसकी मैंने आप लोगों के लिए जो लिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट बना दी है, तो उसको आप लोग देखिए 3 और 4। मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ, ये पॉइंट ओ मान लीजिए मैंने यहाँ से शुरुआत की थी थोड़ी देर पहले, या अपने पास यहाँ से शुरुआत की थी 15 से। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग जो मर्जी आए, जहाँ मर्जी आए वहाँ से शुरुआत कीजिए। जहाँ से आप लोगों को लगे ना कि सर मैं तो यहाँ से शुरुआत करूँगा, वहाँ से शुरुआत आप लोग करो। जैसे यहाँ पर आप लोग मान लेते हो 2 kg और ये 2 kg, तो यहाँ पर मान लिया, मान लीजिए 2 kg, या यहाँ से शुरुआत करना चाहते हो तो ये मान लिया आपने, मान लो 3 kg। ये हम लोगों ने 3 kg मान लिया, इस तरफ आएगा। रेड से दिखाता हूँ क्योंकि आपको हैबिट हो गई होगी अब कि वेट रेड से दिखाया जाए। सर ये 3 kg लेकिन इस लाइन पर है, जब ये सीवियन अगर नहीं दी हो, ऐसे अगर दिया हुआ हो तो ये 3 kg इस लाइन पर है और ये इस लाइन पर होगा अपने पास 2 kg, ठीक है। 5 × 2 = 10, यहाँ पर अगर अपने पास 2 kg है, 5 × 10 तो यहाँ पर कितने kg होगा, 5 kg, और यहाँ पर 5 × 4 = 20 है, तो यहाँ पर कितने kg होगा, 20/3 kg, क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन अगर 20 है तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी बराबर होना चाहिए, 20 होना चाहिए, या इसके कारण यह आया है 5/3, 3 की वैल्यू 5 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 20/3। दोनों तरीके से सोच सकते हो और ये पॉइंट कम से कम मैं 50 बार बता चुका हूँ आप लोगों को, यह आना चाहिए। तो देखिए, तो मुझे बताओ यहाँ पर जो वेट होगा अपने पास, ये जो वेट होगा ये 5 × 3 = 15, ऐड करोगे इसमें तो 35/3, और यहाँ पर जो वेट होगा 3 और 2 को ऐड कर दें तो 5, ये वेट आ गया अपने पास कितना, 5, और ये, और यहाँ पर अगर टोटल वेट अगर आपको देखना है यहाँ पर, तो इनको ऐड करते हैं 29/3, 3 × 3 = 9 और 20 ऐड करोगे तो 29/3, और यहाँ पर अगर देखना है तो ये 8, 5 और 2 कितना हुआ, 7, सॉरी। अब आप लोग रेशियो निकाल लीजिए, ये अगर रेशियो निकालोगे, ध्यान देना तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, कहीं से जहाँ से मन आए वहाँ से आप लोग शुरुआत कीजिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, ये आ गया अपने पास इधर 35/3, और इधर आएगा अपने पास ये 5, 5 से कट जाएगा 7 बार, 3 उधर चला जाएगा, आंसर वही होना है 7:3। ये अपने पास 29/3 है, ये तो आएगा नीचे की तरफ इसके लिए, और इसके लिए लिख दोगे 7, तो इधर इंटू करोगे तो 21:29, आंसर यही है 21:29। तो मैंने कहा है कि एक ही क्वेश्चन को मैं अलग अलग तरीके से आप लोगों को इसलिए समझाता हूँ ताकि आपको सही समझ में आए, ज़्यादा समझ में आए, और आप हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, क्योंकि अभी अपने पास टाइम है, आप एग्जाम में नहीं बैठे हो, अभी अपने पास टाइम है। एक ही क्वेश्चन को अलग अलग अप्रोच से कैसे कर सकते हो, पहला तरीका मैंने बताया, दूसरा तरीका बताया, इसी क्वेश्चन को कम से कम आप लोग 5 या 6 तरीके से कर सकते हो, जैसे चाहो, कम से कम 6 तरीके हो सकते हैं, ये मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक कॉन्सेप्ट और समझा देता हूँ, देखिए इसी क्वेश्चन का सेम एक कॉन्सेप्ट और समझा देता हूं, अगर आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं इसको, देखो, और अगर किसी को लगता है कि सर और फास्ट कैसे होगा, तो और तरीका देख लो। ये क्वेश्चन अपने पास ए बी और सी, ये क्वेश्चन है ए बी और सी जो दिया हुआ था अपने को, मैं लिखता हूं डी, आप लोग अपनी नोटबुक में चेक कर लिया करो साथ साथ कहीं, क्योंकि अपने पास अगर संख्याएं चेंज हो गई, 2, 3, 5 और 2, 3 और 4 ऐसा दिया हुआ था, अगर संख्याएं चेंज हो गई तो आंसर भी चेंज हो जाएगा, फिर आप लोगों को लगेगा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। जैसे पिछले परसों के वीडियो में आपने देखा होगा, वो संख्याएं चेंज हो जाती हैं कई बार लिखते टाइम, 2, 3, 2, 3, 2, 3 हमेशा, फिर वो थोड़ा चेंज हो जाता है। तो क्या आपकी नोटबुक में यही लिखा हुआ है क्या, चेक कर लो एक बार, हाँ या ना, हाँ तो देखिए ये पॉइंट ओ है। अब मैं आपको इसका एक और अच्छा सा तरीका समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ समझाने की। यहाँ पर आप लोग इसके कारण इधर मान लो ये जो वेट है वो 3x, और ये जो वेट होगा यहाँ पर वो होगा 2x, इसके कारण इधर ये जो वेट होगा वो 4y, इसके कारण 4y, और इसके कारण ये होगा 3y। अब देखो आप लोग कोशिश करो, 3y मुझे बताओ इस 2x और 3y का जो रेशियो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2x और 3y, तो 2x के कारण तो ये 2 है और 3y के कारण ये 5 है, क्या रेशियो 2:5 ही होना चाहिए क्या,
2x के कारण ये 2 और 3y के कारण 5, तो 2x और 3y का रेशियो क्या 2:3 होगा क्या? 2 से 2 कट गया, x अपॉन y बराबर अपने पास आ गया 3/5। तो x की वैल्यू आप लोग 3 रखो, तो ये 3 रखा तो ये 9, और y की वैल्यू आप लोग 5 रखिए तो ये 20, 3 रखा तो ये 6, और y का मान अगर 5 रखा तो ये 15, 15 और 6 ये तो आ गया 21, 9 और 20 ये आ गया 29, 9 और 6 ये आ गया 15, और 29 4 और 20 और 15 ये आ गया 35। अब ये लो, जो भी पूछा है ये अगर पूछा है तो 35 इधर आएगा, आपको याद होगा 35 अनुपात 15, तो 5 से कट गया 7 बार, 5 से 30 बार, आंसर ये होना है 5 से 3 बार, 5 से 7 बार 7:3। ये 21 ऊपर चला जाएगा और 29 नीचे आ जाएगा, ये आंसर हो गया 21/29। वही सेम क्वेश्चन इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो। मैंने कहा इस क्वेश्चन को करने की कम से कम 6 या 7 अप्रोच हो सकती हैं। हम लोग ऑनलाइन यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं तो आपको लगता है कि सर एक ही क्वेश्चन को इतना घुमा घुमा कर रहे हैं, तो मैं 3 तरीके आप लोगों को बता देता हूँ। 3 तरीके ये सबसे ठीक हैं, ये वाला तरीका इसमें आप लोग लगा सकते हो जिससे क्वेश्चन आसानी से और जल्दी सॉल्व होगा। एक क्वेश्चन और समझाता हूं मैं आपको और कैसे आ सकता है इसमें क्वेश्चन। देखिए ये मैं मिटा देता हूं, 3 तरीके मैंने बता दिए हैं, और तरीके से भी क्वेश्चन आप लोग ये वाला कर सकते हैं। आप लोग यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ये पॉइंट डी है, और आज की क्लास में मैं ये समझा रहा हूँ, ये पॉइंट मान लो ई है और ये पॉइंट जो है अपने पास वो है एफ। नया क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, वो पहले वाला नहीं करवा रहा हूँ। ये अपने पास मान लीजिए 2 और 3 है, या ये मान लो 2, 3 है, और ये मान लीजिए 3 और 4 है, ये 3 है और ये 4 है। कोशिश करना समझने की क्वेश्चन कैसे करोगे आप लोग। क्वेश्चन करने का तरीका जो होगा आपका वो ये होगा, ये 4x तो इस साइड ये 4x, और ये 3x तो ये यहाँ पर 3x, ये यहाँ पर मान लीजिए 3y है, और ये मान लीजिए ये है अपने पास 2y। तो बताओ ये सम कितना हुआ, मुझे ये बताओ, ये 4x और ये 3x, तो ये सम कितना हुआ आपके पास। इसका रेशियो दिया हुआ है, इन दोनों का रेशियो नहीं दिया हुआ आपके पास, ये अंदर वाला रेशियो दिया हुआ है 4:1, तो 7x, और ये कितना होगा अपने पास 5y, 3 और 2 5 और 4 और 3 7, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है 7x और 5y का रेशियो, 7x और 5y का जो रेशियो दिया हुआ है, 7x और 5y का जो रेशियो दिया हुआ है, 7x की वैल्यू इधर उल्टा होता है और 5y इधर 4 1/4, जैसे आप लोग अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हो उसमें जैसे होता है, m का रेशियो इधर, m का रेशियो इस साइड, n का रेशियो इस साइड, याद होगा आप लोगों को। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको इस YouTube चैनल पर पढ़ाने वाला हूँ, बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा, उसमें डायरेक्ट तरीके से क्वेश्चन कैसे करोगे वो सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं सिखाऊंगा, पहले ये सीखिए आप लोग। यहाँ अपना काम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं है, ये अपने पास होगा 5 ऊपर चला जाएगा 7 नीचे, तो 5/28, तो अक्ष जहाँ पर दिखाई दे रहा है रेशियो आ गया, अक्ष जहाँ पर दिखाई दे रहा है 5 रख दो, वाई जहाँ पर दिखाई दे रहा है 28 रख दो, 5 रखोगे तो ये आ जाएगा 20, 5 रखोगे तो ये अपने पास आ जाएगा कितना, 5 रखोगे तो ये आ जाएगा 15, 5 रखोगे तो ये आ जाएगा 35, y की वैल्यू आप लोग 28 रख दीजिए, यहाँ रखोगे तो अपने पास 84, यहाँ आप लोग y का अगर मान रखोगे तो 140, और यहाँ y का मान रखोगे तो अपने पास 56। अब अगर ये रेशियो पूछ ले, BD और DC का रेशियो पूछ ले आपसे, तो 56 इधर और 15 इधर, ये अपना आंसर आ जाएगा, उल्टा होता है, 56 इस साइड आएगा, 15 इस साइड आएगा, और अगर आपसे ए इन दोनों को ऐड करेंगे हम लोग, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 104 यहाँ पर टोटल होता है, काफ़ी देर से समझा रहा हूँ, ये इधर आएगा नीचे 104 आ जाएगा, और ये जो इन दोनों का समेशन यहाँ पर कितना आया, इन दोनों को सम करो, 5 और 1 6, यहाँ पर आएगा 71, तो 71 ऊपर। तो अगर किसी स्टूडेंट को ए ओ और ओ डी का रेशियो चाहिए, ए ओ और ओ डी का रेशियो अगर चाहिए तो वो होता है 71/104, और किसी स्टूडेंट को अगर बी डी और डी सी का रेशियो अगर चाहिए, बी डी अपॉन डी सी, तो वो होगा 56/15, ये अपना आंसर होगा। देखिए मैं फिर समझाता हूँ, अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि सर मैं अक्ष नहीं मानना चाहता, ये रेशियो नहीं बनाना चाहता, और क्या तरीका हो सकता है, तो इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका अपने पास ये वाला हो सकता है। कौन सा, देखिए आप लोग, यह आपने लिख लिया होगा, मैं इसको हटा रहा हूँ, लिख लिया होगा आपने, नहीं लिखा तो लिख लो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके, सबसे बड़ा फायदा ये है
कि आप लोग वीडियो को पीछे आप लोग थोड़ा सा पीछे भी ला सकते हो और आसानी से वापस देख सकते हो। तो रेशियो वाला तरीका आपके समझ में आ गया होगा, ये ई पॉइंट, ये एफ पॉइंट, ये ओ, जो पहले रेशियो दिए हुए वही लिखना, 3-4, 4-1 और 2-3। गलती नहीं हो जाए संख्याओं में, कई बार लिखते लिखते गलत भी लिख देता है, गलती नहीं हो जाए, चेक कर लो, 3-7, 4-1, 2-3, ठीक है। अब आप लोग एक काम करो, इन दोनों का जो सम होना चाहिए 3 और 4, इधर ये मान लो 4 और ये इधर मान लो 3, तो इन दोनों का जो सम होना चाहिए वो यहाँ पर आना चाहिए 7। 7 यहाँ पर आ गया, 7 की वैल्यू अगर 1 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, इधर आएगा 28। 1 की वैल्यू 7 या 7 × 4 = 28 और 28 × 1 = 28, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बराबर होना चाहिए। अब आप लोग देखिए 28 को आप लोग 3:2:3 के रेशियो में बांटोगे तो 28 के नीचे 5 इधर वाला चाहिए तो 2 से गुना, और 28 के नीचे 5 इधर वाला चाहिए तो इससे गुना करते हैं 3 से, तो ये आ गया 84/5 और ये आ गया अपने पास 56/5। ये अपने पास जो होगा इन दोनों का सम जो होगा ये आएगा 71/5 और इनका सम अगर करोगे तो ये आएगा 104/5। अब आप लोग रेशियो निकाल लेना, ये अपने पास इसका रेशियो चाहिए तो 56/5, आंसर वही आना है, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, ये आ जाएगा 56/5 और ये आ जाएगा 3 तो उधर चला जाएगा, तो 56:15 आंसर सेम यही आना है, और ऊपर वाला अपने पास 71 ऊपर चला जाएगा, 104 नीचे, 5 से 5 कट जाएगा, तो 71/104 आंसर सेम यही आना है। अब आपको एमपीजी समझ में आ गई होगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो मास पॉइंट अपने पास ज्योमेट्री जो है ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस क्वेश्चन को कम से कम आप 2 या 3 बार करना, आज की क्लास में एक नया कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको ये समझाया कि जब भी ऐसे लाइन हो तो इधर वेट अलग और इन दोनों का चाहिए तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, बस ये वाला पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। आज की क्लास में इतना ही, इसका वीडियो मैं नेक्स्ट कल नहीं बनाने वाला हूँ, कल मैं आपको एक नए चैप्टर की शुरुआत करूँगा, नया पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, तो इसका वीडियो कभी बाद में बनाऊँगा लंबा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, अभी सिर्फ थ्योरी कंप्लीट हुई है, कुछ पॉइंट्स आपको इसमें देखो मेरा पढ़ाने का तरीका यही होता है, मैं धीरे 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 आपका बेस मजबूत करता हूँ, एक दिन में सारी चीज़ें अगर बता दी जाएँ तो फिर सब कुछ मिक्स हो जाएगा और फिर आपको लगेगा ये क्या हो गया ये क्या हो गया। तो कल की क्लास में नए चैप्टर का, कल लेसन नए की शुरुआत करेंगे कल इवनिंग में 6 बजे, आज सिर्फ आज हम लोगों ने ये पढ़ा है, फिर अपना कम से कम ये एमपीजी का एक दिन 1.5 या 2 घंटे का सेशन मैं लूँगा जिसमें आप लोगों को कंप्लीट जो बचा हुआ पोर्शन है थ्योरी का वो, और कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट मैंने बताया एरिया पर बेस्ड क्वेश्चन भी बन जाते हैं, कुछ अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस दिन बताऊंगा, और वो सेशन थोड़ा सा लेंदी सेशन होगा, कम से कम 1.5 या 2 घंटे का सेशन होगा जिसमें आप लोग सारी चीज़ें समझ सकोगे और नए कॉन्सेप्ट भी समझ लोगे और बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी हम लोग कर पाएंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी को फ़ायदा हो सकता है और मैंने पूरा बेसिक से पढ़ाया है और अच्छे से अगर आपको समझ में आया है तो इसको शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले लेसन में, कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।